राजा सिंह तू अंदर गया, जो अंदर गया वो बिगड़ गया। अभी थोड़ा अपन पब्लिक को समझाते हैं। राजा सिंह ने तेलंगाना बंद करवा दिया है, हैदराबाद में आग लगवा दिया है। हैदराबादियों, जितने भी हमारे तुम्हारा हिस्सा गिर गया, अरे नया ले लेंगे। हाँ जाओ ले लो। हाँ भाई लोग, मुनव्वर फारूकी तू इतना फार रुकी हुई है, कॉमेडी करता है तू। 18 लोग जमा हो गए, जरा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर मुनव्वर फारूकी के जगह पे तुमने हमको बुलाया होता तो हम हैदराबाद के शान में कुछ बोले होते, हैदराबादियों को इस्लाम समझाए होते। हैदराबाद के अंदर जितने भी गुस्ताखे रसूल है जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, उनको समझाए होते। हाँ, ये मुनव्वर फारूकी को बुलाकर तुमने, इतनी इज्जत देकर तुमने हैदराबाद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को हीरो बना दिया। राजा सिंह हीरो बना है तो उसको हीरो बनाने वाला मुनव्वर फारूकी है। मुनव्वर फारूकी को फुल प्रोटेक्शन में तुम लोग बुलाते हो तो मुनव्वर फारूकी का काम है ना इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ कुछ बोलने का। मुनव्वर फारूकी मुसलमान है ना तू, क्या घंटे का मुसलमान है तू? मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता है, वो सिर्फ और सिर्फ महादेव, पूरी दुनिया को चलाने वाला रब्बुल आलमीन, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। समझ में आया? राजा सिंह वर्सेस मुनव्वर फारूकी चल रहा है। हैदराबाद के अंदर जितने भी इंसान रहते हैं ना, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लड़ना नहीं। तुम अगर हिंदू हो तो इस्लाम की रिस्पेक्ट करना, अगर तुम हिंदू हो तो इस्लाम की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि मुसलमान सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करता है। तुमको नहीं पता है तो मेरे पास आओ, मैं तुमको समझाता हूँ। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कौन हो बात की। समझ में आ रहा है कुछ? अबे राम नाम सत्य है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन रहमान रहमान भी तो मस्त है, मस्त है। प्लीज, राम नाम सत्य है लेकिन रहमान भी तो मस्त है। लड़ाई किस बात का है? राजा सिंह, आई एम टॉकिंग टू यू। मुनव्वर फारूकी ने हक दिया है, अब उसका हगा हुआ मैं थोड़ी उठाऊंगा। मैं तुझसे सवाल पूछ रहा हूँ, तू हिंदू है? अबे तू हिंदू नहीं, तू गांडू है। हिंदू कौन होता है? जो दूसरों के धर्मों की रिस्पेक्ट करे। समझ में आया? अपने धर्म पर चले और दूसरों के धर्म की रिस्पेक्ट करे। तू तो हराम का पिल्ला मुनव्वर फारूकी का बेटा निकला। मुनव्वर फारूकी भी 10 बाप की औलाद है और तू भी 10 बाप की औलाद निकला। मुनव्वर फारूकी का बेटा निकला तू। तूने जो तेलंगाना के हैदराबाद के मुसलमानों का दिल दुखाया है ना, मेरे सामने बैठेगा क्या राजा सिंह? ओ राजा सिंह तू अंदर गया, अंदर गया तो ऊपर गया। समझ में आ रहा है? बच गया तू, तेरे के तेरी लगता है ना मत मारी गई है। इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन अगर इंसान कोई है ना तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तुझे अगर नहीं मानने का तो मत मान, पूरी दुनिया तो मान चुकी है, चाहे वो ईमान लाए या ना लाए। नंबर वन कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुनव्वर फारूकी तो मेरे हगा हुआ लेंडा भी नहीं है बे। मुनव्वर फारूकी को इतना रिस्पेक्ट क्यों दिया तेलंगाना हैदराबाद के मुसलमानों ने? इस सवाल का जवाब दो।
पहला, तुम अगर मुनव्वर फारूकी को बुलाओगे हैदराबाद में, मुसलमानों तुम लोग बुलाए या नेता लोग बुलाए? कौन बुलाया? तुम लोगों ने नहीं बुलाया, मुसलमानों नेता लोग ने बुलाया मुनव्वर फारूकी को। इतना पुलिस प्रोटेक्शन किसने दिया? नेता लोग ने दिया मुनव्वर फारूकी को। मुनव्वर फारूकी कौन है? वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर गलत टिप्पणी करने वाला छोकरा है, वो मुसलमान नहीं। मुनव्वर फारूकी उसके कान के नीचे एक दूंगा ना, उसकी अकल एकदम ठिकाने पे रुकेगी। फारूकी अकल एकदम ठिकाने पे रुकेगी। तुम्हारे जैसे हराम के पिल्लों के वजह से राजा सिंह जैसे हराम के पिल्ले फायदा उठा लेते हैं और फिर वो मुसलमानों के पैगंबर, मुसलमानों के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर गलत टिप्पणी करते हैं। हम जैसे लोगों को फिर बोलने आना पड़ता है, समझाने आना पड़ता है। हैदराबाद के जितने भी लोग हैं इंसान, तुम अगर हिंदू हो तो रिस्पेक्ट करो, मुसलमान के धर्म की रिस्पेक्ट करो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना राजा सिंह जो अंदर गया तो ऊपर गया। अबे जेल के अंदर तो मियां भाई लोग भरे ले। ओ राजा सिंह, अगर किसी को पता चल गया ना तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्तागी की है, और जेल में अगर मिल गए ना मेरे ऐसे मेंटल लोग से, तो तुम्हारा काम हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, ये 2% का हजाम। राजा सिंह गुड़म्बे, तू मुसलमानों के रसूल के बारे में बोलेगा? आ मेरे सामने आके बैठ के बोल, तेरी ऐसी बोलती बंद करूँगा, या तो तू इंसान बन जाएगा या तो तू सुप्रीम इंसानों में मुसलमान बन जाएगा। इंसानों में सुप्रीम मुसलमान बन जाएगा। समझ में आ रहा है तेरे को क्या बोल रहा हूँ मैं? राजा सिंह, अबे तू अभी जेल से तो बच गया, हैदराबाद के मुसलमान मुहम्मदियों से कैसे बचेगा अभी तू? गोशा महल के आजू बाजू जो मुसलमान अभी तुझे घेर लेंगे, अब उससे कैसे बचेगा तू? एक काम कर, मुंबई में आ जा तू। तू मुंबई में आ, मैं तेरे को बचाता हूँ। तेरे को और कोई नहीं बचा सकता, मेरे जैसा नंबर वन मियां भाई बचा सकता है तेरे को। समझ में आ रहा है? हम लोग कानून हाथ में नहीं लेते, कानून हाथ में लेने वाले के गांड में घुस जाते। कानून हाथ में नहीं लेते, जो कानून हाथ में लेता है ना उसके गांड में घुस जाते। तो ये कानून, समझो जरा बात को, यहाँ पर है ना, कमी नहीं है झोलरों की शहर में। टिडिंग डिंग। राजा सिंह, पर तुझ पे ही दिल मेरा आया है। गुड़म्बे, गुड़म्बा मालूम है किसको बोलते? ए गुड़म्बा मालूम है? हाँ, मीट माय फादर, मीट माय फादर, ही इज माय फादर। समझ में आया? ले लेगा ओढ़ के तुम्हारी चादर। अंडरस्टूड? राजा सिंह 2% के नेता, तेरी औकात है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्तागी करने की, तो सामने आ। मुंबई में आ रहे, हैदराबाद में तो अभी तेरे पादरी की जगह भी नहीं है। मुसलमानों छोड़ना नहीं, इस साले को छोड़ना नहीं, घेर लो इसको। इससे हमको बात करने का है, मारना नहीं, कानून हाथ में लेना नहीं, सर तन से जुदा तो बिल्कुल करना नहीं, डर जाएगी पब्लिक। बीजेपी वाले, राम तेरी गंगा मैली हो गई, बीजेपी के पाप धोते धोते। ए भैया जग्गू भाई बीजेपी का सपोर्टर था, अभी गाली देता है। बीजेपी का सपोर्टर था, अभी भी हूँ। अभी भी है, अभी गाली नहीं दे रहा है। जिस पानी में नहा रहे ना उसमें हम लोग हक्के गांड धो ले। बीजेपी का बलात्कारी झोलर पार्टी का सपोर्टर है ये। ए जग्गो, ए इधर सामने आना, ए राजा सिंह तो भाग गया। तो बीजेपी
देख लो ऐसा गाली खाओगे, बीजेपी की तरफदारी करोगे हमारे सामने तो गाली खाओगे। क्यों? बीजेपी बलात्कारी झोलर पार्टी है। राजा सिंह तूने मुसलमानों के दिलों को दुखाकर अच्छा नहीं किया। मुनव्वर फारूकी की माँ बहन तोलना, जो तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ भी गलत टिप्पणी करता है उनकी माँ बहन तोलो, उसके धर्म तक जाने का नहीं। धर्म तक कोई भी किसी के जाएगा तो हम धोबी है, हम बीच में आएगा और समझाएगा। क्या समझाएगा? ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ओ हिंदू और मुसलमान, ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये हम जैसे चमार लोगों का है। हमारी टीम जय भीम। तो जितने भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की टीम में है, ये देश ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, ये जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कानून को हाथ में नहीं लेने का, राजा सिंह को जवाब देने का है। जिस तरीके से उसने जवाब दिया है उस तरीके से हम भी जवाब देंगे। प्लीज तेलंगाना के अंदर जितने भी मुनव्वर फारूकी के जितने भी सपोर्टर है हमको भी सपोर्ट करके देखो, एक बार तेलंगाना हैदराबाद में बुलाओ, गांड फाड़ देंगे वे राजा सिंह की। ओ राजा सिंह तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे बे हराम के पिल्ले। तुम भैया राजा सिंह अबे गोरे गोरे लोगों से लड़ना चाहिए था तो मुसलमानों से लड़ लिए। अबे मुसलमानों से लड़ना चला रहा हूँ, मुसलमानों से लड़ने से पहले हमसे एक बार बात कर ले, वरना पड़ी लकड़ी ले लोगे, सबसे महंगी लकड़ी है। वालेकुम अस्सलाम। सबसे महंगी लकड़ी पड़ी लकड़ी है। प्लीज राजा सिंह ये पड़ी लकड़ी लेना नहीं, पुष्पा भी नहीं ले सकता ये लकड़ी, ये जो तुम ले रहे हो ना, हैदराबाद के मुसलमानों के बीच में रह के उनके रसूल की शान में गुस्ताखी करके तुम जी लोगे, अबे पुलिस कम पड़ी आएगी, समझ में आ रहा है क्या? पुलिस कम पड़ी आएगी हिंदुस्तान की। हाँ राजा सिंह फायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, वरना बीजेपी ने तो तेरे को भगा दिया। इतनी बड़ी फट्टू है जो लड़ने के लिए आगे जाता है बीजेपी उसको पार्टी से निकाल देता है। अरे हट की माँ की आग, समझ में आ रहा है? ये राजा सिंह धोबी के कुत्ते, मैं धोबी हूँ, तू ना घर का है ना घाट का है, समझ में आया? तू मेरा कुत्ता है, मैं धोबी हूँ, तू धोबी का कुत्ता है, समझ में आ रहा है? 2% के MLA गोशा महल के, तेरे माँ ने अगर तेरे को दूध पिलाया होगा ना, आ जा हैदराबाद में बुला मेरे को, मैं तेरे सामने बैठ के तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा, हर सवाल का। लेकिन किसी के धर्म को अगर तूने गलत टिप्पणी किया, अबे यहाँ पे किसी ने महादेव भोलेनाथ हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया ना, उसको भी नहीं छोड़ेंगे बे, समझ में आ रहा है? हम लोग कौन है मियाँ भाई? कौन है हम लोग? मियाँ भाई,